नहीं इधर भी हम लोग तैयार वैसे हम गए भी नहीं है कभी तो इधर यार मैं उसके लिए लेने गया अरे आप क्या चाहते हैं क्या है देखिए शादी की तो हर एक की उम्र होती है जो मानते हैं उनके लिए है और वो एक पवित्र बंधन होता है और मेरे मम्मी पापा मेरे लिए ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे थे उसमें नहीं पढ़ती हूँ मैं उनकी भी प्रोसेस चालू ही है इस बारे में तो अब मैं जब करूँगी शादी तब मैं ज़रूर ज़रूर बताऊँगी सबको थैंक यू मैम बस एक चीज़ बता अरेंज मैरिज है ना अरे थैंक यू मीडिया आई लव यू थैंक यू अच्छा ओ अच्छा अभी तो शुरू हुई हाँ दिशा जी को इतने सुंदर महिला ने मुझे अवार्ड दिया वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है दरअसल मैं जब स्टेज पर गई इतनी सुंदर और इतनी लंबी हाँ तो मैं मंच पर गई ना तब मैं उनको ये बात बता नहीं पाई पर मैं अभी बता रही हूँ कि इतने सुंदर है वो इतने अच्छे हैं और उनके हाथों से जो अवार्ड लिया अनोखा अवार्ड तो उससे तो एकदम धन्य हो गए थोड़ी हाइट बढ़ गई किस बारे में अवार्ड के फंक्शन में हमें उनका पता चल गया आपका नहीं पता चल पाया कि आपको क्या मिला अभी मिला नहीं है तो अभी क्या कैसे बताऊं बबीता जी की परफॉर्मेंस अरे जबरदस्त जबर है ओ आई मैं हां आई अरे नहीं भाई वो समझ के गए जाने दो ना तो मैं बबीता जी के बारे में बात कर पाऊंगा ना भाई तो आप बात कर रहे थे बबीता जी के डांस का वो तो क्या बताऊँ इतना जबरदस्त डांस करती है एक कमाल का अंग मरोड़ है उनके शरीर में वो और आज तो कुछ क्या बोलते हैं मिस्र की एक ललना बनी थी को मिस्र का वो सेट था इजिप्ट पिरामिड वो सब तो बहुत जबरदस्त वो तीनों देबीना जी और बबीता जी उन्होंने बहुत जबरदस्त किया जब मजा आ गया पर वो घर में एरोस्टेस बनी घूमती है जरूर जरूर ये तो बापूजी की टोपी है भाई साहब टोपी पहना रहे आपको अरे तो साड़ी के साथ मैचिंग हो गया बहुत बड़ा सीन है I'll try. It should not spoil my hair.
क्या करना है आपका स्वागत है। हमारे इस फ्लाइट के द्वार ही द्वार है, कोई चिड़ियाघर का द्वार है, कोई बालवीर का द्वार है, कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा का द्वार है, तो किसी भी द्वार से जाएंगे आपको हम हंसाएंगे हंसाएंगे और सिर्फ हंसाएंगे। मैं वही देखूँ ना, देखिए ताजमहल जो कि इंडिया में ही है, मैं इतना चाहती थी, बचपन से चाहती थी, दो आई वॉज बॉर्न इन नॉर्थ, मैं सोचती थी कब मैं ताजमहल जाऊँगी, तो अभी लास्ट मंथ ही मैं ताजमहल होकर आई हूँ। आई थिंक ताजमहल मेरी जो लिस्ट में फर्स्ट है, और आई थिंक मैं न्यूयॉर्क जाना चाहूँगी, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ खड़े होकर एक पिक्चर क्लिक करना चाहूँगी। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। जब हमारे चेक्स नहीं आते ना टाइम पे, तो ये डायलॉग याद आता है। थैंक यू, बाय।